शिल्पा शेट्टी से जुड़े पांच विवाद। दोस्तों, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हमेशा किसी न किसी विवाद में फंसते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी के पांच ऐसे विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न्यूज़पेपरों की खबरों का मुख्य कारण बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप भी जानना चाहते हैं शिल्पा शेट्टी के पांच बड़े विवादों के बारे में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर वन, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी ने बिग ब्रदर शो में हिस्सा लिया था, लेकिन शो में उन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। शो में इनके साथ ही एक सेलिब्रिटी ने उनके बारे में कुछ टिप्पणियां कर दी थी, लेकिन फिर भी शिल्पा ने इमोशनल होकर सभी को अपनी तरफ खींच लिया था और चालाकी से उस शो को वो जीतने में सफल रहे थे। नंबर टू, अपने पिता के साथ केस में फंसने के बाद भी शिल्पा शेट्टी काफी विवादों में घिरी रही थी, हिम्मत नहीं हारी और उनके पिता को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बिना कोई मामला दर्ज किए उन्हें रिहा कर दिया गया। नंबर थ्री, और दोस्तों सबसे बड़ा विवाद शिल्पा शेट्टी के साथ तब जुड़ा जब उनके अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते जोड़े जाने लगे। जी हाँ दोस्तों, खबरों की माने तो ये बात काफी फैलाई गई थी, लेकिन इस मामले में शिल्पा शेट्टी के पिता भी मीडिया में आए और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती और ये सारी बातें मात्र अफवाह हैं। दोस्तों बात करें शिल्पा शेट्टी की शादी के बारे में तो उनकी शादी भी कॉन्ट्रोवर्सीज का बड़ा कारण रही है। दरअसल जब शिल्पा शेट्टी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की थी तो राज कुंद्रा पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने बकायदा शिल्पा से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था और राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने तो शिल्पा पर केस तक कर दिया था और ये इल्जाम लगाया था कि शिल्पा ने उनका घर तोड़ा है। हालांकि शिल्पा ने आज तक इसके बारे में अपना रिएक्शन नहीं दिया है। नंबर फाइव, दोस्तों आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी अक्षय कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन ट्विंकल खन्ना की माँ ने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के रिलेशनशिप में रहने के बाद जबरदस्ती शादी करवा दी थी। और दोस्तों शादी के बाद अक्षय की पत्नी ट्विंकल ने शिल्पा पर कई आरोप भी लगाए थे। तो दोस्तों आप शिल्पा शेट्टी के इन विवादों के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।